हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सो मेरे ख्याल से आज आप मुझे नोटिस करने की वजह मेरे पीछे जो लेक है शायद उसे नोटिस कर रहे होंगे। वेल, कोई बात नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पे आज खड़ी हूँ ताकि आप लोगों को ये खूबसूरत सा लेक दिखे। अच्छा, सो मैं आ गई हूँ आपका न्यू टाउन एक्शन एरिया 1 पे। सो ये जो अभी मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ, ये फ्लैट का बैल्कोनी है और इसी फ्लैट को आज मैं कवर करूंगी। सो यहाँ से आपको ये खूबसूरत लेक मिल जाएगा। बट होल्ड योर हॉर्सेस, सबसे पहले मैं आपको लोकेशन बता दूं। आज आ गई हूँ मैं न्यू टाउन एक्शन एरिया 1 पे, तारुलिया सेकंड लेन पे। सो आप लोग जैसे ही कभी भी तारुलिया की बात होती तो लोग उसको केस्टोपुर समझ लेते हैं और वो सोचते हैं कि VIP रोड से या फिर केस्टोपुर रोड से आपको आना पड़ेगा। सो नहीं, आपको केस्टोपुर रोड से नहीं आना है। इस लोकेशन के लिए आपका मेन रोड होगा DLF 1 के सामने से स्ट्रेट आकर आपको रूट नंबर 47 से टर्न करना है। सो रूट नंबर 47 से टर्न करके आपका जो चिनार पर खैलर मार्ट है उसके पास में ये लोकेशन है। तो आपको VIP मोड से या केशवपुर से नहीं आना है, आपको न्यू टाउन का ब्रिज क्रॉस करके DLF 1 से सीधा निकल के रूट नंबर 47 से सीधा टर्न करके आपको चिनार पर खैलर मार्ट में आना है इस प्रोजेक्ट के लिए। सो आप लोग को लोकेशन मैंने पूरा बता दिया है, डिस्क्राइब कर दिया कि कैसे इस लोकेशन में पहुंचना है। और रही बात हॉस्पिटल वगैरह की, सो मैंने हमेशा कहा है डोंट ट्रस्ट मी। ठीक है, लोकेशन में ऐसा कुछ हो सकता है कि यू नो मैं मिस आउट कर जाऊं, बोलना भूल जाऊं। सो गूगल में आप डालिए DLF 1। ठीक है, यहाँ के आसपास हॉस्पिटल वगैरह सब आपको पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये लोकेशन आपका सेक्टर 5 से, शॉर्ट लेक सेक्टर 5 से बहुत पास में। सो आपको सारे हॉस्पिटल, सारे बैंक, सारे ATM का एक्सेस मिल जाएगा। रही बात आपकी लोकल मार्केट की, सो आपको यहाँ पे चिनार पार्क में ही जो आपका मेन रूट होगा, चिनार पार्क वाला जो रोड है जो न्यू टाउन DLF 1 को कनेक्ट करता है, आपको वहीं पे रोड साइड में लोकल सब्जी भाजी ये सब मिल जाएगा, इजीली एक्सेसिबल है। रही बात मॉल वगैरह की, सो आप जब यहाँ से निकलेंगे DLF 1 को क्रॉस करेंगे तभी आपको एक्सेस मॉल और सेंट्रल मॉल मिल जाएगा। ठीक है, होटल वगैरह कंसिडर करें तो नोवोटेल है। सो आपका ये बहुत प्राइम लोकेशन है। सो आपको लोकेशन मैंने समझा दिया। रही बात बैंक लोन वगैरह की, सो ये जो प्रोजेक्ट है वो आपका HDFC और SBI अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। सो आपको यहाँ पे SBI HDFC से लोन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में अगर आपका किसी और बैंक के साथ टाई अप है तो आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मतलब इजीली आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा, लोन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रही बात स्कूल्स की, सो आप मैंने जैसा बताया हमेशा गूगल मैप पे लोकेशन डालिए कि आपको यहाँ पे मेट्रो भी मिल जाएगा। जो लोग बोलते हैं कि हमको 3-4 किलोमीटर के अंदर ही मेट्रो मिले, तो आपको शॉर्ट लेक विप्रो के सामने से जो मेट्रो मिलता है आपको वो मिल जाएगा। सो लोकेशन इज वेरी प्राइम, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रही बात पीने के पानी की, सो आप पीछे तो देख ही रहे हैं लेक है। सो ये न्यू टाउन का लेक है जो आपको न्यू टाउन केशवपुर में यहीं से पानी सप्लाई होता है। सो पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात आपकी इलेक्ट्रिसिटी की, सो ये आपका WBSE के अंदर आता है, इलेक्ट्रिसिटी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रही बात एमिनिटीज की, तो यहाँ पे आपको लिफ्ट मिल जाएगा, मैं आपको लिफ्ट दिखा दूंगी। सो लिफ्ट मिल जाएगा, कैमरा मिल जाएगा, सिक्योरिटी मिल जाएगा, 24/7 पानी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पार्किंग नहीं मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया कि चिनार पार्क हैदराबाद यहीं पास में है, यहाँ पे काफ़ी ओपन स्पेस भी है। अगर आपका कोई 4-व्हीलर होता भी है तो आप वहाँ पे फ्रीली पार्क कर सकते हैं। लोग यूजुअली वहीं पे पार्क करते हैं, गैरेज वगैरह नहीं खरीदते हैं, तो आप वहाँ पे पार्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैंडेट अगर पार्किंग चाहिए तो यहाँ पे पार्किंग आपको इस प्रोजेक्ट में नहीं मिलेगा। रही बात 2-व्हीलर की, सो 2-व्हीलर के लिए स्पेस है, आप 2-व्हीलर के लिए आराम से पार्किंग कर सकते हैं, 2-व्हीलर की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और रही बात मेंटेनेंस की, तो आपको 1 रुपए पर स्क्वायर फीट मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ओके, सो फ्रेंड मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बता देती हूँ। ये G+5 है और ये जो 2 BHK है ये आपको 4th फ्लोर पे मिलेगा। ठीक है, सो यानी कि इसके ऊपर भी एक आपको फ्लैट है। ठीक है, इसके ऊपर भी आपका फ्लोर है। सो ये आपका बेसिकली G+4 है। सो G+4 से ही आपको ये खूबसूरत सा व्यू मिल जाएगा। सो अभी जो मैं कवर करूंगी वो है 2 BHK। इस प्रोजेक्ट में सिर्फ सिंगल 2 BHK बाकी है।
सो इसका सुपर बिल्ड एरिया 675 है और पर स्क्वायर फीट प्राइस आपका 3400 करके रखा गया है। सो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको बेसिक सी डिटेल्स दे दी है। अगर कुछ मिस आउट हो जाता है, कुछ मैं बोलना भूल जाती हूँ, सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नाम और नंबर दिया रहेगा, वहां से आप पुल आउट करके मुझे इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं और इस प्रोजेक्ट के लिए आप साइट विजिट कर सकते हैं। सो चलिए अभी मैं आपको पूरा लेआउट दिखा देती हूँ और पूरा प्रोजेक्ट चेरिस लोकेशन वगैरह दिखा देती हूँ। सो कम विद मी। ओके सो फ्रेंड, मैं अभी चेरिस पे आ गई हूँ, ठीक है। सो आप देख लीजिए, ओ माय गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल। सी, आपको पूरा का पूरा लेक देखने को मिल जाएगा, बहुत पास में है यार। सी, वो आपका मेन रोड है, वो आपका मेन रोड है, ठीक है। जैसा कि देख रहे, वो आपका मेन रोड है। सो आपको यहीं से पूरा का पूरा न्यू टाउन का लेक देखने को मिल जाएगा। ये देख लीजिए पूरा लोकेशन, कोल इंडिया देखने को मिल रहा है, DLF-1 देखने को मिल रहा है। सो ये आपका टेरेस है, देख लीजिए, बहुत खूबसूरत है। और सबसे खूबसूरत है ये आपका लेक, मतलब आप शाम को यहाँ पे आके छत पे जब घूमेंगे, आपको ये पूरा व्यू मिल जाएगा और आपके कमरों से भी दिख रहा है, बालकनी से भी दिख रहा है। तो आप लोग देख लीजिए, वाओ, देखिए एक प्लेन भी जा रहा है। ओके, चलिए मैंने अभी आपको चेरिस दिखा दिया है। सो अभी मैं आपको कमरों का लेआउट दिखा देती हूँ, सो कम विद मी। ओके सो फ्रेंड, अभी जो मैं 2BHK कवर करूँगी, वो स्टेयर्स से उठकर, और ये लिफ्ट है, और लिफ्ट के जस्ट बाद ये जो 2BHK है, मैं इसे कवर करूँगी। सो ये जो 2BHK है, इसका सुपर बिल्ड एरिया 675 स्क्वायर फिट है। ये 2BHK का फेसिंग आपका ईस्ट है, यानी कि सामने में ही आपको ईस्ट मिल जाएगा। सामने में आपको ईस्ट है और लेफ्ट साइड में आपको नॉर्थ पड़ेगा और राइट साइड में आपको साउथ पड़ेगा। सो चलिए मैं आपको दरवाजे से ही एक फ्लैट का लेआउट बता देती हूँ। सामने में आपको ये एक ओपन किचन मिल जाएगा, उसके बाजू में ही आपको ये कॉमन बाथरूम दिया गया है, फ्रंट में आपको एक ये मास्टर बेडरूम दिया है जिसमें अटैच एक बाथरूम और बालकनी है, उसके बाजू में ही आपको ये एक सेकेंड बेडरूम दिया गया है और ये आपका एंट्रेंस है। सो चलिए अभी मैं 1x1 रूम का साइज और फेसिंग बता देती हूँ। ओके सो फ्रेंड, ये देख लीजिए, ये एंट्रेंस है। सो लिफ्ट के जस्ट बाजू में ही आपका ये 2BHK शुरू है। इस 2BHK का जो दरवाज़ा है, ये वाटर लेमिनेट किया हुआ दरवाज़ा आपको मिल जाएगा। और सामने में ही, जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे फ्लैट में मार्बल की फ्लोरिंग की गई है, कॉमन एरियाज़ में भी मार्बल की फ्लोरिंग की गई है। सो जो मार्बल यहाँ पे यूज़ किया गया है, वो 2x2 का आपको ये मार्बल यूज़ किया गया है फ्लैट के अंदर। सो ये आपका हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग कम किचन का स्पेस है। सो ये जो हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग कम किचन का जो स्पेस है, वो आपका 9x10 है, यानी 9x10 का आपको ये हॉल कम डाइनिंग कम किचन का स्पेस दिया है। फ्रंट में आपका ईस्ट है, यानी कि किचन आपका ईस्ट फेस में है। किचन में ही आपको एक ह्यूज सा विंडो दिया गया है स्लाइडिंग डोर के साथ। यहाँ पे आपको ग्रेनाइट का स्लैब दिया गया है किचन के लिए। एक मीडियम साइज का आपको सिंक दिया गया है 18x16 का। एक आपको टैप पॉइंट दिया गया है, ऊपर में आपको दो पॉइंट्स दिए गए हैं, एक चिमनी और एक आरओ के लिए। ऊपर चिमनी के लिए स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर का पॉइंट दिया गया है। किचन पे ही अटैच आपको एक ये बेसिन मिल जाएगा। सो ये आपका हॉल कम डाइनिंग कम किचन का स्पेस है जो 9x10 है। उसके बाद हॉल से ही पास करते हुए, हॉलवे को क्रॉस करते हुए,
राइट साइड में आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो बाथरूम का फेसिंग भी आपका ईस्ट साइड है। ऊपर में आपको एक लॉफ्ट का एरिया दिया गया है एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए। ये जो आपका कॉमन बाथरूम है वो 6x4 का आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। एक छोटा सा विंडो दिया गया है। ऊपर में एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस दिया गया है। राइट साइड में गीजर के लिए एक पॉइंट दिया गया है। एक शावर पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे आपको टैप पॉइंट्स वगैरह दिए गए हैं। यहाँ पे भी एक आपको टैप पॉइंट दिया गया है। सो ये जो आपको कॉमन बाथरूम दिया गया है वो 6x4 का आपको ये एक बाथरूम दिया गया है ईस्ट फेसिंग में। बाथरूम के जस्ट बाजू में ही आपका ये एक मास्टर बेडरूम शुरू हो रहा है। ये जो आपका मास्टर बेडरूम है ये नॉर्थ ईस्ट फेसिंग में है। राइट साइड में आपको ईस्ट पड़ जाएगा, फ्रंट में आपको नॉर्थ पड़ जाएगा। सो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक विंडो मिल जाएगा ह्यूज सा स्लाइडिंग डोर के साथ। सामने में बैल्कोनी है और सामने में ही आपको एक ये अटैच बाथरूम दिया गया है। सो ये जो आपका मास्टर बेडरूम है इसका साइज आपका 10x10 का आपको ये नॉर्थ ईस्ट के साथ एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। बेडरूम से अटैच आपका ये जो बैल्कोनी है इस बैल्कोनी का साइज आपका 4x8 का आपको ये एक बैल्कोनी दिया गया है। सो बैल्कोनी से ही आपको ये खूबसूरत सा लेक व्यू मिल जाएगा। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा लेक देखने को मिल जाएगा। सो ये न्यू टाउन का ह्यूज सा लेक है जो आपको बैल्कोनी से ही देखने को मिल जाएगा। सो ये लेक व्यू आपको आपकी बैल्कोनी से देखने को मिल जाएगा। सो ये जो आपको बैल्कोनी दी गई है 4x8 का आपको ये अटैच एक बैल्कोनी दी गई है लेक व्यू के साथ। बैल्कोनी के जस्ट बाजू में ही आपको ये अटैच एक बाथरूम दिया गया है। ये जो बाथरूम है आपका 3x5 का आपको ये एक अटैच बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे एक वेस्टर्न टॉयलेट शीट, ऊपर में आपको शावर पॉइंट, सेंटर में आपको टैप पॉइंट और एक छोटी सी विंडो और एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस दिया गया है। सो 3x5 का आपको ये एक अटैच बाथरूम दिया गया है। बाथरूम से निकल के वापस आप अपने मास्टर बेडरूम में आ जाएंगे। आपको एक एसी का पॉइंट भी मिल जाएगा इस मास्टर बेडरूम में। दरवाजे के बाजू में ही कॉमन स्विचेस दिए गए हैं। मास्टर बेडरूम से निकल कर ही हॉलवे को क्रॉस करते ही मास्टर बेडरूम के जस्ट बाजू में ही आपको ये सेकंड बेडरूम दिया गया है। सो ये जो सेकंड बेडरूम दिया गया है ये आपका नॉर्थ फेसिंग में बेडरूम है। सो ये नॉर्थ फेसिंग के साथ आपको 10x10 का सेकंड बेडरूम दिया गया है। दरवाजे के बाजू में ही आपको कॉमन स्विचेस दिए गए हैं। यहाँ पे आप अपना कोई छोटा सा सोफ़ा सेट या फिर ड्रेसिंग टेबल या फिर आप अपना यहाँ पे कोई भी काउच वगैरह रख सकते हैं। ये जो विंडो है आपका नॉर्थ फेस में है। सो यहाँ से भी आपको ये न्यू टाउन का खूबसूरत सा लेक व्यू मिल जाएगा। देख लीजिए ये लेक व्यू, न्यू टाउन का जो आपका लेक है वो यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। सो ओपन एरिया होने के कारण प्रॉपर हवा मिलती रहेगी। सो ये आपका सेकंड बेडरूम है। सेकंड बेडरूम में आपको एक टीवी के लिए पॉइंट भी दिया गया है और ये आपका डोर है। सो जैसे ही आप सेकंड बेडरूम से निकलेंगे हॉलवे को क्रॉस करते ही आप अपने हॉल कम किचन कम डाइनिंग स्पेस में आ जाएंगे। दरवाजे के बाजू में ही कॉमन स्विचेस दिए गए हैं। ऊपर में आपको MCV पॉइंट दिया गया है और ये आपका मेन डोर के साथ मेन एंट्रेंस है। सो चलिए मैं आपको एक 360 व्यू दे देती हूँ। ये मेन डोर है, देन ये आपका सेकेंड बेडरूम है, यह आपका मास्टर बेडरूम विद अटैच बैल्कोनी एंड बाथरूम है। उसी के बाजू में आपको ये एक बाथरूम दिया गया है कॉमन, ऊपर में लॉफ्ट का एरिया, यहाँ पे एक बेसिन और ये किचन टॉप के साथ आपको ये किचन दिया गया है और ये आपका एंट्रेंस है। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको
लेआउट दिखा दिया, फ्लैट का डिटेल्स प्रोवाइड कर दी, आपको चेरिस दिखा दिया, खूबसूरत सा लेक दिखा दिया। सो आई बिलीव आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। सो मैं एक चीज और बता दूं कि जैसा कि मैंने बताया कि इसके सुपरबिल्ड एरिया 675 स्क्वायर फीट है, 3400 करके इसका प्राइस रखा गया है। सो इसका जो टोटल कॉस्टिंग पड़ेगा वो है आपका 22,95,000, यानी कि मान लीजिए आपका 23 लाख आपको ऑलमोस्ट पड़ेगा, लेकिन इस प्राइस में भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सो प्राइस की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सो ये एक नेगोशिएबल प्राइस है, अगर आपको साइट अच्छा लगता है, प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, तो टेबल पे बैठ के कुछ नेगोशिएशन हो सकता है, ठीक है। सो आप लोग अगर आना चाहते हैं तो मेरा नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहां से पुल आउट करके लिए साइट विजिट के लिए आप एक स्लॉट बुक कर सकते हैं। सो साइट विजिट के लिए आप किसी भी दिन आ सकते हैं। टाइम स्लॉट जो रहेगा वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक है। सो इस ड्यूरेशन के बीच में आप कभी भी साइट विजिट कर सकते हैं। सो साइट विजिट के लिए आप मेरा नाम और नंबर ले लीजिए, वहां से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ओके सो फ्रेंड, आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। सो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो अभी टाइम है अलविदा कहने का, मिलेंगे किसी और प्रोजेक्ट में, किसी और नए लेआउट के साथ, किसी और नए लोकेशन के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सायोनारा।